जनपद मथुरा में शेरगढ़ के पैगांव में शुक्रवार दंगल को लेकर जुटी पंचायत में पुरानी रंजिश को लेकर वर्तमान प्रधान और उनके विपक्षी के बीच गोलियां चल गईं। इनमें पैगांव प्रधान गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं विपक्षी अनमोल पहलवान मौके पर ढेर हो गया। बताया जा रहा है कि पैगांव में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा कराए जाने वाले भव्य दंगल और मेले की तैयारी के संबंध में पंचायत जुटी थी। इसमें प्रधान कृष्ण सिंह मौजूद थे। तभी बीच पंचायत में कृष्ण के पिता रामवीर प्रधान की 20 करोड़ की ग्रांट की खातिर सुपारी देकर हुई हत्या में नामजद अनमोल पहलवान वहां पहुंच गया। दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हुआ और गोलीबारी शुरू हो गई। इसमें अनमोल पहलवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कृष्ण घायल हो गया। अनमोल को लेकर तुरंत उसके परिचर शहर के निजी अस्पताल ले आए, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर कृष्ण को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इधर गांव के लोगों ने छाता पर आगरा दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर कई थानों के फोर्स के साथ एसएसपी, एसपी देहात और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। और थाना शेरगढ़ क्षेत्र के पैगांव गांव में आज एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें अमोल नाम का एक व्यक्ति है जिसको गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई है। इनको इलाज के लिए जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। आज दोपहर में उस गांव में किसी बात को लेके पंचायत हो रही थी, जिसमें वर्तमान में जो प्रधान हैं उनका पुत्र किशन वहां था और अमोल जो मृतक है वो भी वहां थे। पूर्व से इनकी रंजिश चल रही थी। किशन के पिता रामवीर की 2021 में हत्या हुई थी, उसमें अमोल जो है नामजद अभियुक्त था और उसमें जेल गए थे। आज किसी बात पे इन दोनों के बीच में अल्टरकेशन हुआ और उसके बाद अमोल के परिजनों का आरोप है कि कृष्ण ने अपनी पिस्टल से अमोल के ऊपर फायर किया और ये लोग जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। तत्काल सभी ऑफिसर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, मेरे द्वारा भी यहाँ घटनास्थल पर आया गया। परिजन अभी तहरीर दे रहे हैं, जिस पे आरोप है उसके कंधे पे गोली लगी है और मृतक के परिजनों का कहना है कि उसने खुद ही क्रॉस में मुकदमा बनाने के उद्देश्य से अपने कंधे पे गोली मारी है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके गहनता से विवेचना करके जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिजन जिस मुख्य आरोपी पे इंगित कर रहे हैं वो भी इलाजरत है और पुलिस की अभिरक्षा में है। जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर गंभीर धाराओं में कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित कराएगी। वर्तमान में कानून व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है।